आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आज से जो भी वीडियो आएगा उसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, वो सारी चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो आज का ये पहला वीडियो है एमएस वर्ड के नाम से, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में कि एमएस वर्ड में कैसे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और फिर बहुत कुछ। तो अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखने का ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमारा छोटा सा चैनल है ई नॉलेज, इसको सब्सक्राइब करिए। इस पर कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स और स्टेटस से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे के आइकन पर दबाए ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे ओपन करेंगे वर्ड को, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो वर्ड रहता है उसको हम लोग ओपन करेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ तो ये ओपन हो गया। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का वर्जन है। अगर आपके पास कोई भी वर्जन हो तो प्रोसेस सारा सेम होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं लेकिन लगभग सेम ही होता है। यहाँ से हम लोग एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद ये मेरा एमएस वर्ड खुल चुका है। ये मेरा पूरा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। अब हम इसी के बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर होता है, जो भी पहले भी बता चुके हैं वर्ड पैड या पेंट में, कि इसको बोलते हैं टाइटल बार। अगर एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको हम डॉक्यूमेंट को नाम से जानते हैं। एमएस वर्ड में जो भी पेज को क्रिएट करेंगे उसको डॉक्यूमेंट के नाम से जानेंगे। और अगर हम एक्सेल में कोई पेज क्रिएट करते हैं तो उसको स्प्रेड शीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट को बनाएंगे उसको हम लोग नॉर्मली डॉक्यूमेंट के नाम से जानेंगे। अगर डिफ़ॉल्ट इसका नाम पूछा जाए तो डॉक्यूमेंट, अगर एमएस वर्ड को डिफ़ॉल्ट नाम पेज का क्या रहता है तो उसका डॉक्यूमेंट रहता है। तो टाइटल बार वही बताता है कि डिफ़ॉल्ट नाम क्या है इस पेज का। तो डिफ़ॉल्ट नाम जैसे कि अभी खोलें तो डॉक्यूमेंट वन के नाम से खुल रहा है। उसके बाद इस तरफ होता है कुछ टूल्स, उसका नाम रहता है क्विक एक्सेस टूल। अगर क्विक एक्सेस टूल को और ज़्यादा करना है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, और अगर हमको न्यू को ऐड करना है तो न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू ऐड हो गया, पहले तीन थप चार हो गया। ओपन को ऐड करना है तो ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पाँच हो गया। अगर इसी तरह इसको हटाना भी है तो ओपन पर फिर से क्लिक कर देंगे तो फिर से वो ओपन जो ऐड हुआ था वो हट जाएगा, हट गया। न्यू को भी हटाना तो यहाँ से न्यू पर क्लिक कर देंगे, जैसा देख सकते हैं आप लोग हट चुका है। उसके बाद इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। रिबन डिस्प्ले यानी कि ये जो यहाँ से टैब ओपन हो गया है इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और ऑटो हाइड रिबन पर जब क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से रिबन हमारा हट जाता है। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और शो टैब पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ इस तरह का टैब दिखाएगा, रिबन नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ पर शो टैब एंड कमांड्स का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा इस तरह से दिखते रहेगा, ठीक है। तो टाइटल बार समझ में आ गया, टाइटल बार ऊपर रहता है। उसके बाद नीचे जो रहता है उसको मेन्यू बार या फिर टैब बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर होम टैब या होम मेन्यू हो गया, इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेनू, डिजाइन टैब या डिजाइन मेनू, उसी तरह से और सारे मेन्यू और टैब हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इतना आने के बाद उसके बाद टैब के नीचे आता है कमांड्स यानी टूल्स, जिसको बोल सकते हैं। टूल्स अलग अलग ग्रुप में बांट रहते हैं, यहाँ पे कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर और पेस्ट, ये सारे क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में हैं। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, साइज इंक्रीज डिक्रीज, और यहाँ पे सेंटेंस का पूरा जो है वो फॉन्ट ग्रुप में है। पैराग्राफ का काम पैराग्राफ ग्रुप में है, स्टाइल का काम स्टाइल ग्रुप में, और इधर एडिटिंग का काम एडिटिंग ग्रुप में। तो सारे अपना अपना ग्रुप लिए हुए हैं, हम लोग जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे ग्रुप का काम करेंगे। उसके बाद नीचे जो है मेरा, जो यहाँ पे स्केल की तरह दिख रहा है, इसको बोलते हैं रूलर। रूलर मेन काम क्या करता है कि यहाँ से चौथाई देख सकते हैं, यहाँ पर अभी रूलर है तो ये मेरा चौथाई इधर तक छोड़ा हुआ है, और इधर एक रूलर जो ऊपर से नीचे की ओर चौथाई छोड़ता है। यानी कि एमएस वर्ड में दो रूलर होते हैं, एक अप एक लेफ्ट, ठीक है। एमएस वर्ड में दो ही रूलर होते हैं।
रूलर का काम हो गया, उसके बाद ये हो गया मेरा वर्किंग एरिया, जो पेज दिख रहा है उसको बोलते हैं वर्किंग एरिया, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। वर्किंग एरिया के इस तरफ होता है ये जो इधर दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्क्रोलर। स्क्रोलर यानी कि पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं इससे पकड़ के, और नीचे आ जाता है जो टैब नीचे दिख रहा है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये लाइनिंग जो दिख रहा है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे दिखाता है कितने पेज है, कितने वर्ड लिखे हैं, कौन सा लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो दिखाता है। उसके बाद यहाँ व्यू व्यू बार यहाँ से आया था, रीड रीड मोड, फिर यहाँ पर प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, उसके बाद जूम आउट, जूम इन का ऑप्शन देता है। तो ये मेरा पूरा देख चुके हैं क्या होता है, कहाँ पे क्या रखा हुआ। देखने के बाद सबसे पहले टैब को हम लोग ओपन करेंगे। सबसे पहला टैब है फाइल टैब। फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन है, न्यू, ओपन, सेव, सेज, प्रिंट, सेव, एक्सपोर्ट एंड क्लोज, अकाउंट एंड ऑप्शन का ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम करते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए नहीं है तो रैंडम टेक्स्ट लाने के लिए आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर ए एन डी, ब्रैकेट को चालू करिए, फिर से ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। इससे आपके पास एक रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट आ गया। तो ये फार्मूला को याद रखिए और आगे की वीडियो में हम लोग फाइल ऑप्शन को, फाइल मेनू को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।